गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चे, आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। बेटा हाइजन ने लाइट को वेव नेचर बताया था, तो इसीलिए कुछ लॉ है जो हाइजन ने अपने प्रूफ के लिए देने पड़ेंगे बेटा, अदरवाइज उसकी थ्योरी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने स्टार्टिंग में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया बेटा, किसको यूज करके बताओ, वेव नेचर को यूज करके बेटा। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था बेटा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने पहले नाम सुन रखा होगा साइन आई बाई साइन आर, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं बेटा, ये रिफ्रैक्शन में आता है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर बेटा किसी भी लाइट के लिए ये प्रूव हो जाता है, ये लॉ प्रूव कर देती है बेटा फिनोमिना, तो समझ जाना वो रिफ्रैक्शन है। क्या है बताओ, रिफ्रैक्शन है बेटा। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका नाम स्नेल्स लॉ भी होता है। तो आप इसको प्रूव करते हैं हाइजन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा, हाइजन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो लिखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाई यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाई यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। बेटा समझने की ट्राई करना, मान लिया एक सरफेस है, ये सरफेस है बेटा, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया कोई भी, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट करती है बेटा। मान लिया ये लाइट इंसिडेंट करवा दी, दैट इज फर्स्ट लाइट और ये सेकंड लाइट बेटा, इंसिडेंट लाइट है ये जो किसी सरफेस के ऊपर डाली गई है। लो बेटा, अब मुझे पता है ये लाइट, ये लाइट रे है बेटा, लेकिन ये वेव का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाइजन तो वेव के बारे में बताया था, तो इसलिए वेव फ्रंट, इस रे को यूज करके इस पे वेव फ्रंट बनाना जरूरी है बेटा। तो यहाँ पे ये रे जो है ये पैरेलल आ रही है, तो इन पे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे बेटा, प्लेन, आप सबको बताया प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो वेव फ्रंट बनेंगे, ये वेव फ्रंट बेटा ये प्लेन इस तरह से बनते चलेंगे बेटा, ये वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है सारे के सारे, क्योंकि लाइट इंसिडेंट अब तक रिफ्लेक्ट तो रिफ्रैक्ट तो हुई नहीं है बेटा, ये वेव फ्रंट है। लेकिन मैं बेटा इनका यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो इंसिडेंट वेव फ्रंट एक ही लेना है बेटा, तो इसका मतलब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट में लाइट आई बेटा है, ऐसे वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बेटा, लिख लो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है ये, समझ में आई बात बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये लाइट, ये नॉर्मल आप सबको पता है, ये नॉर्मल होगा यहाँ पे, ये नॉर्मल बन गया बेटा, ठीक है बेटा। ये जो इंसिडेंट लाइट एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं एंगल आई, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी मैं नॉर्मल बना देता हूं, यहाँ पे भी ये भी तो इंसिडेंट लाइट है, ये लाइट नंबर टू, ये लाइट नंबर वन, ये नॉर्मल बेटा, इसको भी मैंने एंगल क्या बोला बताओ, एंगल आई, ये भी एंगल आई है बेटा, ये लो एंगल आई है, समझना। अब ये रिफ्रैक्ट होगी बेटा, रिफ्रैक्शन में मीडियम का होना बहुत जरूरी है बेटा, मीडियम, ये ऊपर वाला मीडियम अलग है, नीचे वाला मीडियम है अलग है बेटा, क्योंकि रिफ्रैक्शन है ना, मान लिया ये मीडियम नंबर वन और इसे नीचे का मीडियम टू मान लिया बेटा, तो ये नॉर्मल को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखना बेटा ये नॉर्मल आगे थोड़ा सा क्या हुआ बताओ, एक्सटेंड हो गया बेटा, क्योंकि रिफ्रैक्शन है ना, इसका मतलब ये नॉर्मल बेटा, खुद बताओगे, ये लाइट आई अगले मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, मान लिया ये मीडियम रेयर है ऊपर वाला, मान लेते हैं सभी बच्चों को बताया रेयर क्या होता है, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर है बेटा। अगर ये सिचुएशन है कहीं पे, तो लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो बेटा ये लाइट ऐसे बेंड होगी बेटा, ये ऐसे बेंड होगी, सबको पता है, लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो ऐसे बेंड होगी, रिफ्रैक्ट होगी बेटा, ये रिफ्रैक्ट होगी, ये भी ऐसे, ये रिफ्रैक्ट होगी बेटा, ये भी रिफ्रैक्ट होगी, क्लियर है।
ये वाली रिफ्रैक्टेड है। अब इस पे वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। वेव फ्रंट क्या बनेगा? प्लेन। तो देखना बेटा, इसको अगर प्लेन बनेंगे तो ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर, बिल्कुल ये प्लेन, बिल्कुल लास्ट तक ये वेव, ये सारे के सारे प्लेन वेव फ्रंट बन गए। मुझे इनका कोई रोल नहीं लेना बेटा, एक ही वेव फ्रंट लेना है मुझे। चलो बेटा, इसको ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये कौन सा बन गया बताओ? ये वाला, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट बन गया बेटा, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। नोट करते चलो, वेव फ्रंट मैंने मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है बेटा। अब देखना, ये एंगल आई, ये 90 माइनस आई, ये 90, तो ये एंगल कितना बन गया बताओ? सभी को पता है ये आई है, तो ये एंगल भी क्या होगा? आई। देखना बेटा, ये आर है, तो ये भी क्या होगा बताओ? ये एंगल कितना होगा? आर होगा। चेक कर लो बेटा, चाहे ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें ध्यान से देखो तो ये एंगल आर, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बना देते हैं बेटा, इसको स्ट्रेट बना देते हैं। ये एंगल आर होगा बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बेटा, इनको यूज करके स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। पहले डायग्राम अच्छे से नोट कर लो। मान लिया बेटा वी वन जो है ना, ये अज्यूम कर लो बेटा, अज्यूम दैट वी वन इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन प्लेन बेटा, इन ए प्लेन वन, ठीक है बेटा। इसमें इसकी स्पीड कितनी मान ली बताओ? लाइट की स्पीड, ये जो लाइट की रहा इसकी वी वन बेटा, और अगले मीडियम में, ये नीचे मीडियम अलग, इसमें कितनी मान ली? द वेलोसिटी ऑफ लाइट सेकेंड बेटा नीचे वाला, वी टू, यानी कि फर्स्ट में वी वन, सेकेंड में वी टू। अब ध्यान से देखो तो नाम दिए बेटा मैंने ओ से, ये ओ, ये ए पॉइंट, और ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट डी, जो भी है बेटा ये पॉइंट नाम मान लिए। तो आप देख लो ध्यान से, तो इस ट्रायंगल में ओ ए बी, इस ट्रायंगल को यूज करके साइन आई निकाल सकते हो, और बेटा ओ डी बी, इसको यूज करके क्या बता सकते हो बताओ? इसको साइन आर निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल को यूज करके बिना किसी कंफ्यूजन के। देखना बेटा इसमें, अब बाई नहीं लिखो बेटा, बाई यूजिंग ट्रायंगल, साइन आई बाई साइन आर निकालना, वो कॉन्स्टेंट आना चाहिए ना, लिखो बाई यूजिंग ट्रायंगल ओ ए बी, साइन आई निकालो बेटा। साइन आई क्या होता है? ये तो है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी। इक्वेशन नंबर वन लो बेटा। अब अगले ट्रायंगल ओ डी बी यूज करो, इसको यूज करके साइन आर निकाल दो बेटा, बाय यूजिंग ओडीबी। तो क्या निकाल दोगे इसको यूज करके? साइन आर, साइन आर किसके कुल आ गया बताओ बेटा? ओ बी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ओडी अपॉन ओबी। अब दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, स्नेल्स लॉ कांस्टेंट के कुल आना चाहिए ना, इसका मतलब जब जब दोनों को डिवाइड करोगे, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, बच्चे क्या रिजल्ट मिलेगा जब दोनों का डिवाइड करोगे? तो साइन आई बाई साइन आर
इज इक्वल टू, जब ए बी अपॉन ओ बी करोगे तो बेटा आपका आएगा ए बी अपॉन ओ बी, ओ बी सो बी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका आएगा ए बी अपॉन ओ डी बेटा। लो अब ए बी कैसे निकाले देखना बेटा। मान लिया टी टाइम में, टी टाइम लगा बेटा ये इस रे को ए से बी तक जाने में, और टी टाइम लगा है ओ से लेकर डी तक, क्योंकि ये तो यहां तक तो बराबर टाइम में पहुंची है ना बेटा, तो ये तो रे ए से बी तक पहुंची, टी टाइम लिया इसने, और ये उतना आगे चली गई ओ से लेकर के डी तक, तो इसका मतलब टी टाइम, उसी टी टाइम में इसने तो डिस्टेंस ट्रेवल की ए बी, अगले वीडियो में कितनी ट्रेवल की इसने ओ डी बेटा। तो मुझे बताओ ए बी किसके को लाएगा बताओ, देखो इन टाइम टी, इन टाइम टी जो ए बी होगा बेटा, ए बी में वेलोसिटी कितनी है पहले मीडियम में वी वन लो बेटा, और कितने टाइम मान लिया कितना टाइम में पहुंची है बताओ टी टाइम में, तो ए बी की वैल्यू होगी वी वन मल्टीप्लाई टी, तो इस मीडियम में यहां से यहां तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो वी वन मल्टीप्लाई टी होगी, ओ से लेकर के डी तक कितना आ गया बताओ, ओ से लेकर के डी तक इसका आ गया वी टू मल्टीप्लाई टी। जब इन दोनों को आप यहां पुट करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आएगा बेटा, वो क्या आएगा बताओ जल्दी से, जो इक्वेशन जो इक्वेशन निकल के आएगी, ये नोट करते चलना बेटा साथ साथ में, रब कर रहा हूं मैं, जो अब इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू वी वन टी अपॉन वी टू टी, पुट कर दो बेटा। देखो बेटा इसका मतलब मीडियम में वेलोसिटी तो मीडियम में तो कांस्टेंट ही है ना, तो वी वन बाई वी टू क्या है, वी वन बाई वी टू क्या है बताओ, कांस्टेंट ही तो होता है बेटा, अगर आप रीस को चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में कांस्टेंट मान लो, चाहे वेलोसिटी के टर्म में कांस्टेंट मान लो बेटा, इसका मतलब साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बात प्रूव करनी पड़ेगी बेटा बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल, ऑफ प्रूव हो गया, इसका मतलब बेस्ट टाइम बेस्ट चीज होगी कि प्रूव कर दिया हमने हाइजन प्रिंसिपल को यूज करके स्नेल्स लो, और यही इसका मतलब रिफ्रैक्शन को ऑब्वे कर रहा है, तो हाइजन ने जो बात बताई वो सारी बातें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ऑब्वे कर रही है, तो ये डायग्राम और ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच।